साहब आते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। ऐसो साहब आप भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये नहीं कि आपसे डर लग रहा है, आप बहुत करेंगे, आपके हाथ में पावर है, फर्जी मुकदमे लगाएंगे और क्या कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपने किया है। आपको भी कह रहा हूँ, आप आइए और मुस्कुराइए मत, यहाँ पे कार्रवाई करिए। की बात हुई है, निश्चित तौर पर बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जनपद जौनपुर में आऊंगा तो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार से मुलाकात। अभी लेट क्यों हो रहा है, वजह क्या है? लेट देखिए, चुनाव में व्यस्त हैं, सभी जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हैं। जल्द से जल्द उनका प्रोटोकॉल जो इनके परिवार पीड़ित परिवार के आवास क्यों है। अखिलेश यादव जी से भी ट्वीट तो आपने कर दिया, कार्यकर्ता लोग भी पहुंचे हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत से मामले आते हैं तो यादव जी खड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी भैया क्या कहना चाहेंगे? हाँ अखिलेश यादव जी चूट भैया, ट्वीट सिर्फ ट्वीट से नहीं काम चलेगा भैया। हम अखिलेश यादव जी से उसी दिन से अब समाजवादियों की वार्ता हो रही है, बात हो रही है, बात हुई है, करीब आधा घंटा बात हुई है। मुझे भी रहा नहीं गया है, अपने अंदर की आत्मा रो रही है, आए दिन घटनाएं हो रही है, सरकार कर क्या रही है, हमें समझ नहीं। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, इस मर्डर से यही साबित होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब चोर का भाई चोर है, चाचा चेरे मुसेरे भाई कैसे कैसे लोग कहते हैं, जब वो दरोगा है, दरोगा का कंटेक्ट होगा, दरोगा ऐसे थोड़ी ना कोई बनता। मैं कौन कैमरा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर देगा, बहुत करेंगे तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे, और क्या कर सकते हो। यह परिवार 8 दिन से परेशान है, सबके घर में दिवाली मन रही है, सबके घर में डाला छठ मन रहा है, लेकिन यह परिवार दर दर की ब्राह्मण परिवार से आपसे बहुत बड़ा सवाल करेंगे। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, शायद लगता है कि हाँ ब्राह्मण परिवार की अगर मर्डर हो जाती तो शायद योगी जी तुरंत बोलते, योगी जी को भी मैं बता रहा हूँ, योगी जी मोदी जी सब लोग सामने आके खड़े होते, साथ बुलडोजर चलवा देते एक घंटे के अंदर में। इसको लेके क्या कहिएगा आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं? देखिए, हम चाहे ब्राह्मण परिवार से हो चाहे यादव परिवार से हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी हो। हाँ हाँ, कार मचा हुआ है, आम जनमानस का जीना दुर्लभ है भैया, आए दिन एक न एक कांड हो रहा है। देवरिया कांड देखा होगा, जौनपुर देखा होगा, पूर्व में भी देखा, एक और घटना होगी। साथियों नमस्कार, मैं इस समय अनुराग यादव के घर पे पहुंच चुका हूँ और 7 दिन, करीब 7 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा। अभी पूर्व में आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से जिला अधिकारी के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसे, कब तक आते रहेंगे ऐसे लोग, कब तक और लोग देते रहेंगे साथ, कब तक होगी कार्रवाई, कब तक चलेगा बुलडोजर, पूरा देश पूछ रहा है। अगर हत्यारे इसी तरह से, अभी आपने पूरे में देखा होगा परसों की घटना, कल 4 बजे भोर की घटना है, बनारस में कई घर में 4 लोगों की हत्या हो जाती है और अभी जानकारी मिलती है कि पूरे में हत्या कर चुका है, हत्यारों की रिहाई कहां से हो जाती है। हुजूर इस पे प्रकाश डालने की जरूरत है, हुजूर कब तक अपराधी बाहर निकलते रहेंगे, आप अपराध करो, हत्या करो, जेल से रिहा हो जाओ। मैं सवाल बार बार पूछ रहा हूं, मैंने पूर्व में भी पूछा है, हत्यारों पे क्यों नहीं ये कानून बनता है। तो हमारे बीच इतने समाज सेवा सेवक लोग हैं, इनसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। मैडम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैडम आज यहाँ पहुंची हैं अनुराग यादव के घर, अब क्या लगा है पूरी घटना को देख करके, अपने अंदर की आत्मा जो है खुद से क्या कह रही है? अंदर की आत्मा क्या कहेगी, हम तो माँ से मिले हैं, उस बहन से मिले हैं जिसका भाई खोया है, उस माँ से मिले हैं जिसका बेटा, माँ के सामने जो है बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है, तो बहुत दर्द है और इस दर्द को शायद है कि कुछ लोग समझ सके, जैसे कि एक बहन समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है कि एक बेटे के जाने का दर्द क्या होता है। और एक सवाल करेंगे, अभी कल की घटना है, हत्यारा पहले से ही था, फिर से हत्या कर दिया, हत्यारे जेल से बाहर आ जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पे कानून बनता है, हत्यारों की कौन कहां से रिहाई हो जाती है, अग्रिम जमानत हो जाती है, इस पे कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, इस पे सरकार को क्या निर्देश देना चाहिएगा? बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए ना, जो लोग सरेआम तलवार से अपने घर में तलवार रखे हैं, फरसा रखे हैं, कुछ भी मतलब सारा सिस्टम रखे थे अपने घर में और सरेआम गर्दन सबके सामने उतार देते, एक माँ के सामने, एक बहन के सामने उसके बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना,
क्यों नहीं हो रही है? इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक आपका पहले परिचय जान लेते हैं। जी परिचय बताइए। रजनीश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अब भैया अपराधी अपराध करता है, हत्या कर देता है, गर्दन उतार देता है और उसको सम्मानित पूर्वक घर से बाहर ले जाया जाता है, लग रहा है कि घर का कोई अपना सदस्य है। इस तरह का दृश्य को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए अपराधी बेखौफ है जी। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं तब से अपराधी बेखौफ हैं। कहीं गर्दन उतारा जा रहा है तो कहीं नाल बंदूक के दम पर हरकाया चमकाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आम जनमानस का जीना दुर्लभ है। भैया आए दिन एक न एक कांड हो रहा है। देवरिया कांड देखा होगा, जौनपुर देखा होगा, पूर्व में भी देखा है। एक और घटना हो गई है जौनपुर में, अभी बनारस में कल की घटना है, इसको लेकर क्या कहिएगा? आए दिन इस तरह की हो रही है घटना है। देखिए हमने बहुत कांड देखा है, हम जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और आप जौनपुर में ही देखिए पुलिस द्वारा जी खुद गोली मारा जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे देश में एकदम कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भैया एक सवाल आपसे करेंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ यादव का मामला है, पूरे में आपने देखा होगा देवरिया कांड पंडित जी का मामला था, पंडित और यादव का मामला था, यहाँ मंगेश यादव का भी मामला आपने देखा ही होगा। सारे मामलों को देखते हुए यहाँ योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले पे, वजह क्या है? योगी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग यादव हैं, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। अगर परिवार को न्यायिक प्रक्रिया नहीं मिल रही तो एक प्रकार से परिवार के लिए अन्याय है। अब सरकार को न्याय, सरकार न्याय दिलाए और कल हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे, न्यायिक प्रक्रिया में क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, ये उनका मनसा जानने की प्रयास करेंगे। अब वंदना दुबे जी, आप ब्राह्मण परिवार से, आपसे बहुत बड़ा सवाल करेंगे। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, शायद लगता है कि हाँ ब्राह्मण परिवार की अगर मर्डर हो जाती तो शायद योगी जी तुरंत बोलते। योगी जी को भी मैं बता रहा हूँ, योगी जी मोदी जी सब लोग सामने आके खड़े होते, साथ बुलडोजर चलवा देते एक घंटे के अंदर में। इसको लेके क्या कहिएगा आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं? देखिए हम चाहे ब्राह्मण परिवार से हो चाहे यादव परिवार से हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी हो। न्याय जैसे हमारे साथ होता है वैसे यादव परिवार के साथ भी होना चाहिए। एक मर्डर केस हुआ है, कोई चोरी नहीं हुआ है कि जो सरेआम सब घूम रहे हैं। यहाँ मैडम क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है या फिर क्या देरी है, या ऐसा हो सकता है कि दरोगा जी रिश्तेदार निकल रहे हो, ये भी हो सकता है? देखो ये सब पैसे की खेल है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। इस मर्डर से यही साबित होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब चोर का भाई चोर है, चाचा चेरे मुसेरे भाई कैसे कैसे लोग कहते हैं, जब वो दरोगा है, दरोगा का कंटेक्ट होगा, दरोगा ऐसे थोड़ी ना कोई बनता। मैं कौन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर देगा, बहुत करेंगे तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे, और क्या कर सकते हो। यह परिवार 8 दिन से परेशान है, सबके घर में दिवाली मन रही है, सबके घर में डाला छठ मन रहा है, लेकिन यह परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। ऐसा नहीं है, इस घटना से हम लोग काफी दुखित है। सबके घर में दिवाली और छठ मन रहा है लेकिन यह परिवार अपना मातम मना रहा है। अभी 13 ही दिन नहीं बीता है लेकिन यह परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। परिवार कह रहा है कि हमारी जान अभी भी जा सकती है, मिली होंगी, मेरी कल यहाँ बात हुई है, करीब आधा घंटा बात हुई है, मुझे भी रहा नहीं गया है, अपने अंदर की आत्मा रो रही है, आए दिन घटनाएं हो रही है, सरकार कर क्या रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कह रहा है कि घर गिरवा दो, एनकाउंटर कर दो, कहीं ना कहीं हत्यारों के ऊपर कानून क्यों नहीं बनता है, कब तक इस तरह होता रहेगा, इसको लेकर क्या कहिएगा मैडम? इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग अपने घरों में जाएंगी, दिवाली मनाएंगी, छठ मनाएंगी, लेकिन इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, हम लोग न्याय के लिए ही आए हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जितने लोग भी यहाँ आए हैं सब न्याय के लिए ही आए हैं, उनके मतलब उन्हीं के तरफ से लोग उनको जैसे कि आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कोई नेता विधायक नहीं है, बस यही कर सकते हैं कि सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि यहाँ जातिवत्ता नहीं होनी चाहिए, आप इनकाउंटर करवाइए, जैसे मंगेश के कांड में हुआ था कि एक चोरी का मामला था, जो भी था इनकाउंटर हो गया था, वैसे इनको भी होना चाहिए। सरेआम मर्डर किए हैं भाई,
अखिलेश यादव जी चुप क्यों है? अखिलेश यादव जी से भी ट्वीट तो आपने कर दिया, कार्यकर्ता लोग भी पहुंचे हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत से मामले आते हैं तो यादव जी खड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी भैया क्या कहना चाहेंगे? हाँ अखिलेश यादव जी चुप भैया, ट्वीट सिर्फ ट्वीट से नहीं काम चलेगा भैया। हम अखिलेश यादव जी से उसी दिन से अब समाजवादियों की वार्ता हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है। निश्चित तौर पर वार्ता के दौरान उन्होंने यही कहा कि मैं जौनपुर आऊंगा तो पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करूंगा। भैया लेकिन देर हो रही है, काफी दुखद है, परिवार सदमे में है, परिवार सब लोग तो अपना त्योहार मना रहे हैं, परिवार चुपचाप अभी भी डर रहा है। परिवार न्यायपूर्वक ढंग से और शासन प्रशासन का इंतजार कर रहा है कि हमारे साथ न्याय मिलेगा और यही उचित भी है। तो निश्चित तौर पर हम लोग डीएम साहब से मिलकर के, एसपी महोदय से मिलकर के मांग करेंगे, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी और न्यायिक ढंग से जो भी कार्रवाई होगा, निश्चित तौर पर ऐसा आशा विश्वास है कि प्रशासन करने का काम करेगा। पक्का अखिलेश यादव जी से आपकी बात हुई है? निश्चित तौर पर बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जनपद जौनपुर में आऊंगा तो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार से मुलाकात। अभी लेट क्यों हो रहा है, वजह क्या है? लेट देखिए चुनाव में व्यस्त है, सभी जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त है। जल्द से जल्द उनका प्रोटोकॉल जो इनके परिवार पीड़ित परिवार के आवास पर लगने का काम होगा। अब भैया आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी घटना को देखे होंगे, पहुंचे होंगे और पूरा परिवार, और एक बार फिर से मैं बता दूं कि पूरा देश का लोग दिवाली और छठ मना रहे हैं, लेकिन परिवार अपनी तेरही भी नहीं बिताया, रो रहा है, सदमे में है, काफी परेशान है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, अखिलेश यादव चुप नहीं है, अखिलेश यादव का हर कार्यकर्ता अखिलेश के रूप में चेहरा है, अखिलेश यादव का बात हम लोग से वार्ता हमेशा हो रही है। जब भी प्रोटोकॉल लगेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब थोड़ा सा देर है लेकिन सब चीज होगा जी। क्या लग रहा है, इस परिवार को न्याय मिलेगा? इस परिवार को न्याय अगर नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे जब तक इसके घर पे बुलडोजर नहीं चल जाता। और जबकि प्रशासन की लापरवाही हुई है, लेखपाल राजस्व की लापरवाही हुई, तो इस घटना का अंजाम हुआ ये सब। सिर्फ भैया यह कर देने से इस परिवार को तो आप लोग न्याय दिलवा देंगे, राजस्व विभाग की भी यहाँ लापरवाही देखी जा रही है। राजस्व विभाग की जी एकदम लापरवाही है। अगर राजस्व विभाग पहले से एक्टिव होती तो ये घटना नहीं हो पाती। 40 साल से मामला है ना जी। राजस्व विभाग अगर यहाँ के लेखपाल तहसीलदार पहले ये काम किए होते, बहन बता रही थी कि हम 200 एप्लीकेशन दिए 2 साल में, अगर उसके कार्रवाई नहीं हो, इसका एक लड़का दरोगा था, प्रशासनिक दबाव बनाया है, प्रशासन का दबाव हुआ इसलिए घटना हुआ है, अंजाम हुआ है जी। अच्छा शासन प्रशासन के जो बयान आए हैं, जो लड़की ने अनुराग यादव की बहन ने बताया है कि एसओ साहब आते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। एसओ साहब आप भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, ये नहीं है कि आपसे डर लग रहा है, आप बहुत करेंगे, आपके हाथ में पावर है, फर्जी मुकदमे लगाएंगे और क्या कर सकते हैं, जैसा कि यहां आपने किया है। आपको भी कह रहा हूं, आप आइए और मुस्कुराइए मत, यहाँ पे कार्रवाई करिए जी। और मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं, ऐसा जब बयान है? नहीं, ऐसा बयान है तो बिल्कुल सत्य। बहन अगर बता रही, बहन यहाँ 24 घंटा उपलब्ध है जी। अगर प्रशासन के लिए अगर चाहती ये होता नहीं, प्रशासन और राजस्व की दोनों की लापरवाही है तब ये घटना का अंजाम हुआ है। भैया आपका क्या कहना है पूरी घटना के बारे में? आप जानकारी लिए होंगे, पूरा जायजा लिया गया होगा, पीड़ित परिवार से मिला गया होगा, क्या लगा? पीड़ित परिवार से मिलके यही लगा कि जिस तरह से एक बाप के मुंह पे दिखा जा रहा है कि जिस तरह से उनका मतलब अंदर से आत्मा जो बता रही है, तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिलना चाहिए। अब भैया लोग बयान आ रहे हैं, मीडिया वाले भी भैया लोग साथ दे रहे हैं, मैं मीडिया को गलत नहीं कहूंगा, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, लेकिन परिवार इतना परेशान हो गया है मीडिया पे बयान बयान देते देते कि वो लोग खुद टूट चुके हैं, अब लगता है उन्हें कि न्याय नहीं मिलेगा। अब पूरा परिवार से मिले, क्या लग रहा है? परिवार से मिलकर मतलब यही लगा है कि परिवार को अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिलने का वो उम्मीद है, लेकिन अगर सरकार एक तरफा ना काम करके बल्कि दोनों परिवार वालों को समझ के उनको फांसी की सजा जरूर दिलवाए। पक्का है? पक्का है। घर की बात जो कह रही है, बुलडोजर से ढवा दिया जाएगा, क्या लगता है घर ढहेंगे या नहीं ढहेंगे? नहीं, अब तक अगर यही काम और अगर कोई चोर डाकू किया होता तो अब तक ये सरकार जरूर ये काम कर देती, लेकिन ये एक हत्यारा है, सरकार इसको अपने शरण दे रही है, तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। अब भैया एक बात कहना चाहेंगे, हत्यारों को कौन सा ऐसा कानून बनाया कि हत्या करो जेल से बाहर निकलो, आपकी भी हत्या हो जाएगी, कल मेरी भी हत्या ये लोग करा देंगे और फिर छूट जाएंगे? ये सरकार में माफियाओं का यही बस ढोंग रचा गया है और इसमें ये वो लोग सफल भी हैं, तो हम लोग बस सरकार से यही चाहेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई। अब भारत देश है, भारत देश में बलात्कारियों को भी वकील मिल जाते हैं, हत्यारों को भी वकील मिल जाते हैं। मैं कानून प्रावधान पे भी कुछ बात करना चाहूंगा, इस तरह के कानूनों में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए न्यायिक प्रक्रिया है जी, पक्ष विपक्ष जी का जज महोदय दोनों सुनते हैं, इस वजह से वकील तो मिलना उनका उचित है भाई, सुनेंगे क्या न्याय है क्या, कहीं कहीं बहुत मामले हैं जिसमें फर्जी भी बजाया जाता है,
तो दोनों पक्ष की बात सुनकर के न्याय वही है जैसे दरोगा रिपोर्ट अपना लगाए, तो न्यायपूर्वक ढंग से जांच करे, पड़ताल करे, जो भी उचित हो अपना रिपोर्ट लगाए, तब जाकर के न्याय मिलेगा। अब क्या यहाँ जांच की जरूरत है? यहाँ पे जो बातें चल रही है कि अब जांच हो रही है, क्यों मर्डर हो रहे, जी जांच हो चुका है, क्या आया? जांच हो चुका है, जांच में जो भी दोषी है पकड़े भी गए हैं, दो चार फरार भी है, निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। जिस तरह से गाड़ी से बाहर बैठा के ले जाया जा रहा था, जैसे लग रहा है कि किसी हस्ती को ले जाया जा रहा है। देखिए, बोलना ये चाहता हूँ कि अगर न्यायिक प्रक्रिया अगर देरी हो रही है तो यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है, और हम लोग न्याय दिला के रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमेशा खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे भी उतर जाएंगे, ऐसे यहाँ का कहना है यहाँ के लोगों। निकालने जा रहे हैं जल्दी जल्दी, कैंडल मार्च निकालेंगे कचहरी से शहर तक, उसमें जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना लेते हैं विराम, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, धन्यवाद।